अभी तक गली में सुकून है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, बट जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ वाद अहमद खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है बहुत एक्साइटिंग है और मेरे लिए बहुत स्पेशल डे था। आई पार्टिसिपेटेड इन 100 यूट्यूबर्स कोलैबोरेशन विच वॉज अरेंज बाई हसाम भाई। हसाम अहमद अवान इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर, ही हैज़ अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। सो उन्होंने ये एक छोटा सा इवेंट अरेंज किया जिसका नाम था 100 यूट्यूबर्स कोलैबोरेशन। और तो हसाम भाई का प्लान था कि 100 यूट्यूबर्स होंगे, मोस्टली इस्लामाबाद रावलपिंडी के होंगे क्योंकि उनका आना ईजी होगा। लेकिन इतनी एक्साइटमेंट थी और इतना फैंस का प्यार था उनके साथ कि वो कुछ लोग मर्दान से आ रहे थे, कुछ लाहौर से आ रहे थे और मतलब डिफरेंट एरिया से आ रहे थे, मुझे अभी ये भी नहीं पता कहाँ कहाँ से। उनका प्लान कुछ यूँ था कि 100 यूट्यूबर्स एक ही दिन में आएंगे और 10 गेम्स होंगी, 10 गेम्स खेलेंगे सब, और उसके विनिंग प्राइज़ भी उन्होंने रखा दैट वॉज 100K, मतलब 10K पर गेम, तो 10 गेम्स का 100K। सो ये और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना दिया उन्होंने इसको। और फिर प्लान थोड़ा सा ख़राब ऐसे हुआ कि कोविड सिचुएशन, आप जैसा कि जानते हैं सेकंड वेव है कोरोना वायरस का, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है पाबंदियां लग गई थी, गैदरिंग पे पाबंदी थी। सो उस वजह से हसाम भाई ने थोड़ा प्लान चेंज किया विच आई थिंक वाज बेटर आइडिया, कि उन्होंने सोचा एक दिन में 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे, और मतलब मॉर्निंग में एक इवेंट होगा, एक इवनिंग में होगा, तो इस तरह 5 दिनों में डिवाइड हो जाएगा सारा। खैर मैंने हसाम भाई को इवनिंग में ज्वाइन किया, मैं असलान के साथ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं F8, वहाँ पर हसाम भाई ने कंपटीशन अरेंज किया है जिसका नाम था 100 यूट्यूबर्स कोलैबोरेशन। तो आज मैंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें और आज की डेट में किया है, तो हम जा रहे हैं अभी वहाँ पर, तो आपको मिलते हैं F8 में। नहीं नहीं खाए हम आसान भाई खा ले नहीं जजाक लाभ खाए ना पकड़ना पड़ेगा रिस्क है पकड़ना पड़ेगा रेडी पास करें आगे नहीं चलेगा नहीं नहीं सर आज बोल दिया डाइट तो गेम कुछ यूँ थी कि हमने सिटअप्स करने थे और उसके 2 राउंड्स थे। पहले राउंड में 20 सिटअप्स करने थे 30 सेकंड्स में, फिर जब आप वो पार कर लेते सेकंड राउंड काफ़ी टफ था, उसमें ये था कि आपने सिटअप्स ही करने हैं बट स्पून मुंह में रख के उसके ऊपर अंडा रखना है और उसको बैलेंस करना है। सो दैट वाज टफ। सो मेरा पार्ट ये है कि मैं पहला राउंड तो पार कर लिया, ऑलमोस्ट सब पार्टिसिपेंट ने पहला राउंड कर लिया था, बट सेकेंड राउंड में मेरे से अंडा गिर गया। मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में था, वो आपको दिखाता हूँ। हसाम भाई सेटअप करें कैमरा वगैरह, तो कंपटीशन ये है कि हमने सिटअप्स करने हैं, एक स्पून होगा जिसके ऊपर अंडा हमने बैलेंस करना है मुंह में रख के, तो थोड़ा सा टफ भी है, तो ये है कि मज़े का होगा। खैर रिकॉर्डिंग वो होगी हसाम भाई करेंगे और मेरे साथ अरसान भाई हैं, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ अस, मिलते हैं आपको कंपटीशन के बाद। किसी का फिराद से at this moment that he knew he fucked up oh. 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 Oh.
क्या कहना चाहोगे? ज्यादा स्पीड हो गई थी, कोई बात नहीं होता है। और मेरा अंडा गिर गया। सो अरसलान भाई का पार्ट काफ़ी मज़े का है क्योंकि ही डिड अ रियली गुड जॉब। उन्होंने 17 सेटअप्स निकाले। उनका पार्ट आप देखें। 3, 2, 1 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Come on, boy. 70. Well done, यार, बहुत ताला। मेरा तो अंडा गिर गया था। अरसलान भाई ने बहुत अच्छा खेला है। 17 हुए इनके और बस क्या करें, एक भाई के ज़्यादा हैं, अभी 21 है उनके। सो आई गेस ही इज़ गोना विन। अरसलान भाई बहुत ताला, बहुत ताला, बहुत अच्छी। हम दो तो नहीं जीते बट विनर वाज फाजिल यूसुफ जई। उन्होंने जीता इसको। आई गेस उनके 23 थे सेटअप्स विद एग ऑन द स्पून। सो उन्होंने बैलेंस भी कर लिया काफ़ी अच्छा। उसके बाद सेकंड पे आई गेस अतीक नाम का लड़का था और ही इज़ ऑल्सो व्लॉगर। ये सारे यूट्यूबर्स ही हैं, मतलब व्लॉगर्स ही हैं। सो थर्ड पे आई गेस दो बंदे थे, 21 थे जिनके। सो आज का कंपटीशन एंड हो चुका है और हम हार चुके हैं। मुझे तो अंडा बैलेंस गिर गया था। अरसलान भाई ने बहुत अच्छा किया। ही इज़ फोर्थ, थर्ड या फोर्थ आई गेस इनकी है पोजीशन और बहुत अच्छा किया उन्होंने। बाकी विनर का नाम मुझे नहीं आता। विनर भाई ये भाई विनर है, आपका नाम? मेरा नाम फाजिल यूसुफ। फाजिल यूसुफ बहुत अच्छा इन्होंने किया और इज द विनर। बहुत मज़ा आया कंपटीशन का और हम पार्टिसिपेट करने आए थे, बस असाम भाई की वजह से आए थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आएंगे 24th को, एक और गेम में पार्टिसिपेट करेंगे और इसी तरह इन्जॉय करेंगे। सो जीतो यार, हो हमें तुमसे प्यार है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। जब फुल वीडियोस आएंगी वो और भी मज़े की होंगी, यकीनन आप ज़रूर वो देखिएगा। मैं शेयर भी कर दूंगा साथ ही। सो सेकंड टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया 24th नवंबर को। दोबारा से मैं पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि रियल पर्पज़ है, हमने पार्टिसिपेट करना था इवेंट में और इसको इन्जॉय करना था, हसाम भाई के साथ टाइम स्पेंड करना था। सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि हसाम भाई से हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। ही इज़ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट। और उनके साथ मैंने थोड़ी गपशप की, वो भी आपको सुनाता हूँ। ओके, सो मेरे साथ हैं हसाम भाई। इन्होंने कंपटीशन अरेंज किया था और बहुत इन्जॉय की हमने गेम के लिए। मैं तो खैर हार गया था बट हसाम भाई से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हसाम भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, मेरे व्यूअर्स थोड़े न्यू हैं। यार सीन ये है कि मेरे हिसाब से कोई भी नहीं हारा, सारे पार्टिसिपेंट हैं वो विनर्स हैं। और हमें पर्पज़ हमारा कहा था कि हम लोग ये गेट टुगेदर करेंगे, कलेबरेशन करेंगे 100 यूट्यूबर्स की और वो सारे मिलके एंजॉय करेंगे। सो द पर्पज़ वॉजेंट टू विन द मनी, द पर्पज़ वॉज टू जस्ट एंजॉय एंड क्लैब एंड जस्ट मेक यूट्यूब पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड। तो मेरा तो सीन ये है कि मैं भी आपकी तरह का, सवाल भाई की तरह का एक ब्लॉगर हूँ। आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ। और ये हमारा इवेंट बड़ा अच्छा गया इंशाल्लाह। इसी तरह की अब 4 वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, 6 और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। आप लोग वो जाके भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। हसाम भाई के साथ यहाँ पे हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं होता। मैंने आगे भी पार्टिसिपेट किया हुआ 24th को। मैं फिर से आऊँगा, हसाम भाई से फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जीतते हैं। मैं ही आप लोगों को स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना ही चाहूँगा कि आप सवाद भाई को ना मोटिवेट करें कॉमेंट्स में, जो ये कॉन्टेंट बनाते हैं उसके अंदर और इनको आइडियाज़ दें, क्योंकि ये इस वक्त 300 में है। बट नेवर जज अ क्रिएटर बाय हिज नंबर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर वो बंदा कहाँ से कहाँ होगा। बिकॉज वी ऑल लर्न और हमारी स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। सो आपने इनको मोटिवेट करना है और ये समझना है कि आपने इनको सब्सक्राइब किया और आपने 1 million के वर्थ वाले क्रिएटर को सब्सक्राइब किया है, उस तरह इनको आपने देखना है और इंशाल्लाह ही विल गो वेरी फास्ट, जिस तरह इन्होंने यहाँ भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, मज़ा आ गया। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और भाई जजाक अल्लाह फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस। सो दैट्स इट। सो इट वॉज़ अ बिग डे फॉर मी। जो बाकी आए हुए थे उनके लिए भी काफ़ी एक्साइटमेंट वाला दिन था क्योंकि वो सारे अभी स्टार्ट में हैं, नए यूट्यूबर्स हैं, दे जस्ट स्टार्टेड और वो ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने उनका कॉन्टेंट देखा है, बहुत ही मज़े का कॉन्टेंट है और आई एम श्योर और फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि मोस्टली जो व्लॉगर्स हैं उनका कॉन्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। दे आर वर्किंग रियली हार्ड
और हसाम भाई ने सबको मोटिवेट किया. ही इज़ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट. और इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा इवेंट आई गेस 24 नवंबर को, और उसके बाद वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी. सो मैंने जस्ट व्लॉग बनाया आज का, और जब मैं नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करूँगा तो वो व्लॉग भी बनाऊँगा इंशाल्लाह, और वो बहुत मज़े का होगा. सो आई होप आई विल विन नेक्स्ट टाइम, बट विनिंग पर्पज नहीं था, पर्पज था पार्टिसिपेट करना और इवेंट को इन्जॉय करना. सो बहुत मज़ा आया उनके साथ. तो थोड़ा स्लो से ही बट व्लॉग्स आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, बट आई विल मेक श्योर कि अच्छा कंटेंट बनाता रहूं और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें. 300 सब्सक्राइबर्स हो गए और इसको हमने अब स्पीड अप करना है. सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करें, और इससे भी अच्छा कंटेंट आता रहेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. मैं तो सिर्फ सेल आउट करना चाहता स्टेडियम, लेकिन लोग और सॉल्टी सोडियम. मैं इल्म हूं, अलमनाक हूं, मैं गैब हूं, तू गिन बस, मैं जमाने का रैब हूं.